हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीके ऑनलाइन पेपर। तो देखिए, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कहने का मतलब है, बीए और बीएससी में आप किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हो, एग्जाम डेट से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सभी देख लो आल यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके माइंड में एक ना एक क्वेश्चन चलता है कि बीए बीएससी किसी भी क्लास की एग्ज़ाम डेट आखिरकार कब आएगी, एग्ज़ाम डेट आपकी क्या होने वाली है, परीक्षाएँ कब से होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको तुरंत इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन चैनल पर वीडियो अपलोड होने से पहले, क्योंकि हमने हमारी वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन करवा ली है, वेबसाइट रेडी हो चुकी है, हमारी जो चैनल का नाम है बीके ऑनलाइन पेपर, जैसे ही आप गूगल में आके सर्च करेंगे बीके ऑनलाइन पेपर आपको लगाना है और लास्ट में लिख देना है bkonlinepaper.xyz। जैसे ही आप सर्च करेंगे bkonlinepaper.xyz तो आपके सामने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। देखिए, मैंने सर्च किया, ये वेबसाइट हमारी आ चुकी है, bkonlinepaper.xyz। आपको यहाँ पर नोट करना है, ये आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे और ऐड हो जाएगा कि एग्ज़ाम डेट वगैरह, सिलेबस वगैरह और आंसर की रिजल्ट सब यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा एग्ज़ाम डेट अपडेट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो भी होगी वो आ जाएगी। तो जाइए गूगल पे सर्च करना है आपको बीके ऑनलाइन पेपर और जाके देखना है कि वेबसाइट पर कब अपलोड होगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि आपकी जो भी तारीख है आपको पता चल जाएगा कि हमारी एग्ज़ाम कब से होने वाली है। हालाँकि अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो मई में होगी या फिर लास्ट अप्रैल में। देखो, मार्च चल रहा है, लास्ट अप्रैल या फिर मई में होने की पूरी पूरी संभावना है। मई और अप्रैल आप समझ सकते हैं, अप्रैल के चांस 50% से ऊपर है और मई के तो पूरे पूरे चांस है। क्योंकि आप सभी को पता है टाइम सभी को नहीं मिला है, अभी आपके 3 मार्च तक तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और अन्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो जहाँ तक है सिकावटी यूनिवर्सिटी, फिर राजस्थान प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी मई और जून और अप्रैल तीनों महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी नहीं आई है तो अपडेट नहीं हुआ है, अगर आएगी तो तुरंत अपडेट हो जाएगा। वेबसाइट को ज़रूर चेक करना। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखिए कंप्लीट बताए गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप यहाँ से सब कुछ नोट कर सकते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आपके सामने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। तो जाइए और चेक कीजिए वेबसाइट को और कॉमेंट करके बताइएगा।